बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब गाली देते हैं, मगर क्या आपने इन हजरात की गालियों के बारे में कुछ सुना है? तेरा बाप का सूखी रिश्ता, तेरा सारा खून कुत्तों का खून है। बात सिर्फ गालियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि नौबत कभी कभी हाथापाई तक भी पहुंच जाती है। हमारे दीन में आमाल की बुनियाद नियत पर रखी गई है, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि गाली देने वाला गाली क्यों दे रहा है। ये सियासतदान एक दूसरे को गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सामने वाले ने इनके लीडर को, उनकी जात को निशाना बनाया है। इसलिए हाथ उठा रहे हैं क्योंकि बात इनकी जात पर आ गई। मगर जानते हैं, खादिम हुसैन रिजवी की जो क्लिप हर जगह गर्दिश कर रही है वो कब की है? ये क्लिप गाजी मुमताज कादरी की शहादत के दूसरे दिन की है। उस दिन हर आशिक रसूल का दिल गम से बोझल और जहन गुस्से से बिपरा हुआ था। अमीरुल मुजाहिदीन का ये गुस्सा अपनी जात के लिए हरगिज नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि इस्लाम के नाम पर हासिल किए हुए मुल्क में नामूसे रिसालत पर पहरा देने वाले गाजी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जिस शख्स को अमीरुल मुजाहिदीन ने दल्लाल कहा, वो ताहिरुल कादरी है, जिसने मगरिब को खुश करने के लिए नामूसे रिसालत पर अपना मौकफ ही तब्दील कर दिया और इस कानून की मुखालिफत करने लगा। दलाल कौन होता है जो पैसों के एवज कोई चीज फरोख्त कर दे? तो पैसों और शोहरत के एवज दीन बेचने वाले शख्स को दलाल कहना कैसे गलत हो सकता है? याद रखें, कोई लफ्ज गाली तब बनता है जब वो हकीकत के खिलाफ हो, मगर हकीकत बयान करना गाली नहीं कहलाता। तो बताइए, अमीरुल मुजाहिदीन ने ताहिरुल कादरी के बारे में जो कुछ कहा वो हकीकत है या गाली? मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ताहिरुल कादरी को अपने सियासी मफाद के लिए बुरा भला कहें तो जायज, मगर अमीरुल मुजाहिदीन दीन के दिफा में उस पर तनकीद करें तो गलत, क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन ने जब भी सख्त जबान इस्तेमाल की तो सिर्फ उसके खिलाफ जिसने दीन से गद्दारी की। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि एक भी ऐसी वीडियो पेश नहीं की जा सकती जिसमें अमीरुल मुजाहिदीन ने खुद पर तनकीद करने वालों को बुरा भला कहा हो। उनका हदफ सिर्फ दुश्मनान दीन है। अब आइए असल मुद्दे पर। सख्त जबान तो सबने इस्तेमाल की, सवाल ये है कि आप किसकी सख्त जबान को नजरअंदाज करने को तैयार हैं? उनकी जो सियासत के लिए लड़ते हैं, या उनकी जो दीन के लिए आवाज बुलंद करते हैं? फैसला आपका। वोट उन्हें दें जिनकी लड़ाई अपनी जात से शुरू और अपनी जात पे खत्म, या उन्हें जिनकी लड़ाई दीन के दिफा से शुरू और दीन के इक्तदार पर खत्म।